दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ही YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में। हमेशा की तरह इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें उससे पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के टाइटल पर, वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा कि सुपर ब्रेकआउट स्टॉक है ये, चार्ट ऑफ द वीक है, और मुझे काफ़ी समझ में आया यहाँ पर कि इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टॉक का नाम अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, डेली चार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्राइस किस तरह से ऊपर के साइड आपको जाता दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको क्यों सुपर ब्रेकआउट स्टॉक माना है इस वीडियो में पर देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी पर ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ, स्टॉक मार्केट पर थोड़ी कम देता हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा इसमें कि किस तरह से ये सुपर ब्रेकआउट इसने किया है और एक काफ़ी शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ कर सकता है ये। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ध्यान से। और जो बंदे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे, यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर यहाँ पर, बल्कि डबल का ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाकर प्राइस नीचे के साइड डंप हुआ, और काफ़ी शार्प डंप हुआ। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 500 प्लस का इसका ऑल टाइम हाई था, जहाँ से ये स्टॉक गिर के लगभग 248 तक आया। यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आधा यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू आधी हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतना ज़बरदस्त एक बॉटम बनाने के बाद इसने इस एरिए में यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसने ट्रिपल टॉप लगाया, इस तरह से ट्रिपल टॉप लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया। अब देखो कल की जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन डे था उसकी जो कैंडल है, क्योंकि ये डेली चार्ट है, एक कैंडल एक डे की है, तो पूरे एक दिन का डेटा इस कैंडल में होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना शार्प ब्रेकआउट मारा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से क्या हो सकता है इसमें, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट का नाम भी मैं आपको बताऊँगा, तो थोड़ा सा सब्र करें। यहाँ पर कुछ लेवल्स को मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, तो वो लेवल्स लगाऊंगा तो चार्ट काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा एक बार में ही। ये देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सपोर्ट इसका बन रहा था, ठीक है। ये इसका सपोर्ट एरिया है ग्रीन कलर की लाइन में, और ये इसका ग्रीन कलर की लाइन में इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लगभग ट्रिपल टॉप लगाकर प्राइस को नीचे फेंका बहुत बुरी तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टॉप यहाँ पर लिया, इस तरह से बॉटम लगाया और ट्रिपल बॉटम लगाकर प्राइस ऊपर निकला। ये दोस्तों इसका की लेवल बन रहा था, ये जो डार्क ग्रीन कलर में आप प्राइस देख रहे हो कि लगभग 384 के ऊपर इसका की लेवल बन रहा था। तो देखिए प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं आया तो यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर देखिए प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया लगभग 409 के लेवल पर, सॉरी ये 384 के लेवल पर इसको ब्रेक किया, जो कि यहाँ पर ये था, ये लाइन 384 की है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो रेड कलर में एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, ठीक है, 412 का, और प्राइस अभी खड़ा है 409.70। तो यहाँ पर सिंपल सी अपडेट है, सिंपल सी अपडेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए प्राइस लगातार हायर हाई बनाता चला जा रहा है, आप देखो हायर हाई बनाता चला जा रहा है और काफ़ी एक बुलिश मूवमेंट में है यहाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉटम लगा कर आया है। यहाँ पर जब ट्रिपल टॉप लगा था तो प्राइस नीचे आया था, ट्रिपल बॉटम लगाया है तो उसी तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अपनी ब्रेकआउट एरिया पर खड़ा हो गया, अगर ये अगर 412 को तोड़ेगा तो ईज़िली आपको 444 दिखाएगा, और 444 को अगर ब्रेक करेगा तो ये ईज़िली आपको 554 दिखा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब आती है यहाँ पर बात कि ये स्टॉक कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टॉक कौन सा है, थोड़ा सा वेट करें।
तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपल वे में मैंने यहाँ पर समझाया आपको कि किस तरह से जब डबल बॉटम या डबल टॉप या डबल ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम लगते हैं तो किस तरीके से प्राइस ऊपर के साइड पुश होता है। ठीक, आप देखो कि ये एरिया को ब्रेक करने के बाद प्राइस कितना शार्प तरीके से ऊपर गया है। तो अब ये बिल्कुल बुलिश, देखो यहाँ पर एक प्राइस चैनल में भी था, ये आप जो देख रहे हो ये एक प्राइस चैनल में भी था और ऑलमोस्ट अभी उसका ब्रेकआउट तो इसने नहीं किया है। अगर यहाँ पर आप गौर से देखोगे ब्रेकआउट किया नहीं है, लेकिन बस ये ब्रेकआउट एरिया पर ही है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ ऊपर निकलेगा और वॉल्यूम भी देखिए बढ़ रहा है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्थिति समझ में आ रही है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टॉक का नाम बताता हूँ आपको, ये देखिए ICICI बैंक। तो ये चार्ट ऑफ द वीक है और इसको देखिएगा, इस पर अपनी रिसर्च करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सारे लेवल्स रेजिस्टेंस सपोर्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पर प्लॉट करके आपको दे दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखने समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, उसको सिंपल तरह से करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा कि ट्रेंड फाइंडर इंडिकेटर के नाम से, काफ़ी आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्होंने इंडिकेटर क्रिएट कर दिया है जो आपको ट्रेंड फाइंड करके देगा। ठीक है, मैं सिंपल वे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, आज इवनिंग तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, दो टाइम में किसी वक्त भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको उन बंदों की कलाई खुल के सामने नज़र आएगी जो आपको भ्रमित करते हैं कि ट्रेंड फाइंडर इंडिकेटर है, ये हमने क्रिएट किया है, इसको बाई कर लो हमसे 90,000 70,000 1,00,000, तो इतना पैसा आपसे मांगा जाता है, होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक बार में समझ में आएगा तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ICICI बैंक की अपडेट की है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस तरह से प्राइस को पुश करके ऊपर जा रहा है। सिंपल है ट्रेडिंग दोस्तों, थोड़ा सा संयम के साथ थोड़ा सा धैर्य के साथ ट्रेडिंग अगर की जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जब ये ट्रिपल बॉटम लगाया था, अगर यहाँ पर RSI को लगा लेते तो आप देखो कि यहाँ पर दो बॉटम लगा चुका था, RSI ऊपर गई और यहाँ से यहाँ तक RSI ऊपर ही थी। तो यहाँ से ये देखो ट्रिपल बॉटम में एक ही लेवल का एक ही सपोर्ट पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, लेकिन RSI ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो रही थी, तो सीधा सा मतलब था अगर यहाँ पर भी हम बाई कर लेते 282 पर, ये जो इसका यहाँ पर लो है 282, उस पर भी अगर हम बाई कर लेते, हालांकि 282 से भी नीचे प्राइस निकला था, तो 282 पर अगर हम बाई कर लेते तो अभी दोस्तों आप देख रहे हो कि 449 तक प्राइस खड़ा है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट था। ठीक है, विद इन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइंग के, अगर हम यहाँ पर इस कैंडल पर बाइंग करते तो 26/5/2020 यानी 26 मई 2020 को, और प्राइस हमको यानी 26 मई का पूरा महीना ख़त्म हो गया था, तो जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीने के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक ने हमको दिया, जो कि लगभग यहाँ पर बनता है लगभग 128 रुपये का, 128 रुपीज़ का प्रॉफिट बनता था, तो कोई बुरा नहीं था दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 45% का ये प्रॉफिट था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी रिसर्च भी करिए और उन बंदों से सावधान रहें जो आपको भ्रमित करके इंडिकेटर्स, पेड इंडिकेटर्स बनाकर बेचते हैं। सो दोस्तों सिर्फ कोडिंग का खेल होता है, उस वीडियो को देखेगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूँगा आपके साथ स्टॉक मार्केट की या क्रिप्टो करेंसी की किसी अपडेट के साथ। तो मुझको इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।